नमस्कार, एबीसी न्यूज से खास प्रोग्राम जानकारी जरूरी है, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। आज के समय में अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई लोग दूसरों की जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं, जो कि एक दंडनीय अपराध है। संपत्ति का हक सिर्फ उसके मालिक का ही होना चाहिए, क्योंकि वो उसका एक कानूनी अधिकारी होता है। आपको बता दें कि किसी भी संपत्ति के मालिक को यह अधिकार प्राप्त होता है कि उसकी संपत्ति पर कब्जा उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। किसी भी अन्य व्यक्ति को संपत्ति के मालिक की इच्छा से ही जमीन दी जा सकती है। ये जानकर आपको भले ही हैरानी हो कि कई लोग चाकू की नोक पर या फिर धमकी देकर दूसरे व्यक्ति की जमीन को अपने कब्जे में कर लेते हैं और उस जमीन के असली मालिक को जमीन से बेदखल कर देते हैं। अगर आपकी जमीन पर भी किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो आपको कानून की कई तरह से मदद भी मिल सकती है। आपको बताते चले कि भारतीय कानून में इस समस्या से निपटने के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है। हम आपको बताते हैं कि जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर क्या क्या नियम हैं और इससे कैसे मदद मिल सकती है। अगर धोखाधड़ी करके किया गया है कब्जा, तो आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 420 के तहत अगर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अपराधिक बल यानी डराकर या धमकाकर उसकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है तो इस धारा को लागू किया जा सकता है। आप इस धारा के अंतर्गत पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकता है। अगर संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया गया है तो आपको बताना चाहेंगे कि आईपीसी की धारा 406 के अनुसार यदि जमीन के मालिक ने किसी दूसरे व्यक्ति को एक विश्वास पर अपनी संपत्ति या जमीन दी है और उस दूसरे व्यक्ति ने दी हुई संपत्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, जमीन को ही बेच दिया है, इसके अलावा अगर जमीन के मालिक के मांगने पर भी दूसरे व्यक्ति ने संपत्ति को नहीं लौटाया तो आपको बताना चाहूंगा कि उसे कानून के हिसाब से 3 वर्ष की जेल हो सकती है या फिर उस दूसरे व्यक्ति को भारी राशि भी चुकानी पड़ सकती है। अगर आपके भी साथ ऐसा हुआ है तो इस कानून के नियम से आपको तुरंत मदद मिल सकती है। इस धारा के आधार पर आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। नकली दस्तावेज, अगर किसी ने आपकी संपत्ति के नकली दस्तावेज बनाए हैं तो आईपीसी की धारा 467 के तहत किसी भी व्यक्ति ने धोखाधड़ी करके नकली दस्तावेज बनवा लिए हैं या फिर संपत्ति को अपने कब्जे में करने के इरादे से मालिक को नुकसान या चोट पहुंचाता है या धोखाधड़ी करता है तो वो व्यक्ति भारतीय कानून की धारा 463 के अनुसार जालसाजी का अपराधी होगा और आप इस कानून के अनुसार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन सभी धाराओं के अलावा और भी कई ऐसे सारे कानून हैं जिनकी मदद से आपकी जमीन से अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अवैध संपत्ति का कब्जा क्या है। अवैध कब्जे का मतलब है किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की जमीन या संपत्ति का अधिकार अवैध रूप से अपने ऊपर जमा करना। अवैध संपत्ति का कब्जा होना एक बड़ी समस्या है, जो संपत्ति के अधिकारी द्वारा उसके स्वामी की मर्जी के बिना उसे अपने ऊपर जमा कर लेने के कारण उत्पन्न होती है। यदि कोई भी व्यक्ति संपत्ति का स्वामी नहीं होता है लेकिन उसे बिना किसी अनुमति के दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो इसे संपत्ति पर अवैध कब्जा माना जाता है। यदि व्यक्ति को संपत्ति स्वामी की अनुमति है और उसे संपत्ति का परिसर का उपयोग करने की भी अनुमति है तो वो कानूनी वैधता होगी, जिसके अनुसार व्यक्ति परिसर का उपयोग कर सकता है। इसी तरह किरायेदारों को किराए पर संपत्ति की पेशकश की जाती है, जिसके तहत मकान मालिक किरायेदार को एक समय अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग करने के लिए सीमित अधिकार प्रदान करता है। इस समय सीमा के बाद यदि परिसर में निवास किया जाता है तो संपत्ति पर अवैध कब्जा माना जाता है।
तो चलिए अब जान लेते हैं कि प्रतिकूल कब्जा अवैध कब्जे से कैसे अलग होता है। प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी अवधि है जो व्यक्ति को संपत्ति के मालिक होने के बावजूद उस संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह अवैध कब्जे से समृद्धि में बाधा डालने का एक प्रयोजन रखती है। प्रतिकूल कब्जे को अवैध कब्जे से अलग करने के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं जो इसे एक विधि और समाज व्यवस्था से संबंधित कानूनी प्रक्रिया बनाती है। भारत में अवैध कब्जे का प्रावधान न्यायिक अधिकारियों द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है और अवैध कब्जे का उपयोग अनैतिक और गैर कानूनी माना जाता है। वही प्रतिकूल कब्जा के मामले में अधिकारियों को व्यक्ति की दायित्वशीलता और व्यवहार को विचार करना पड़ता है। प्रतिकूल कब्जे का अधिकार समय बाधित होता है जो सामान्य रूप से 12 वर्ष होता है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल या उससे अधिक का समय एक संपत्ति पर कब्जा कर रहा होता है और उसे मालिक के दावे के खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठाता है तो उसे प्रतिकूल कब्जे के रूप में जाना जाता है। प्रतिकूल कब्जा को विधि और समाज व्यवस्था द्वारा समर्थित किया जाता है ताकि उसे दायित्वशील अधिकारी के स्तर पर समीक्षा किया जा सके। अवैध कब्जे में इस तरह का प्रावधान नहीं होता है और उसे अवैध और गैर कानूनी रूप से माना जाता है। अधिकारी द्वारा इस प्रकार की प्रावधानिक प्रक्रिया से प्रतिकूल कब्जे के मामले में व्यक्ति को विधि के द्वारा अधिकार हासिल करने की संभावना होती है। यदि व्यक्ति को अपनी संपत्ति का प्रतिकूल कब्जा बनाने में सफलता मिलती है तो उसे संपत्ति का कानूनी मालिक बनाया जा सकता है। इस प्रकार के मामलों में न्यायिक अधिकारी ध्यानपूर्वक प्रोसेस और विधि की पालना करते हुए अपना फैसला देते हैं। हाल ही में बता दें चले कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हालिया फैसले में भूमि के मामले में सरकार को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से भूमि प्राप्त करने की संभावना दी गई है, लेकिन इस बात का जोर दिया गया कि इसे विशेषता और असामान्यता के साथ माना जाना चाहिए। अधिकारियों को ऐसे मामलों को विशेषता से समीक्षा करने और विचार करने की आवश्यकता है ताकि ये व्यवस्था अभूतपूर्व और असामान्यता के रूप में समझी जा सके। इस प्रकार प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जे के बीच विशेषता और विधि के आधार पर अंतर होता है। व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर अधिकार हासिल करने के लिए प्रतिकूल कब्जा का सही उपयोग करना चाहिए, जबकि अवैध कब्जों से बचने के लिए नियमित रूप से कानूनी कदम उठाने चाहिए। बता दें चले कि प्रतिकूल कब्जे की विधि भारतीय कानूनी प्रणाली में सामान्य रूप से विकसित की गई है और इसके द्वारा व्यक्ति को उसके संपत्ति का कानूनी मालिक बनाने का अधिकार होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अवैध कब्जे से कैसे निपटा जाए। प्रॉपर्टी के मालिकों को न केवल बाहरी संस्थाओं से निपटना पड़ता है बल्कि अपने किराएदारों पर भी नजर रखनी होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी संपत्ति पर किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि का शिकार ना हो। इससे बचने के लिए यहां एहतियातन कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाना चाहिए और उसे रजिस्टर भी करवाना चाहिए। बता दें चले कि पैसे के खर्च और रजिस्ट्रेशन के झंझट से बचने के लिए अक्सर देखा जाता है कि मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट को नोटरी से बनवा लेते हैं और इसे रजिस्टर ही नहीं करवाते। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि आप और आपके किराएदार के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में रेंट एग्रीमेंट झगड़ा निपटाने में काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि कोर्ट केवल रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट को ही वैध मानता है और इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि किराए पर घर देते समय रेंट एग्रीमेंट बनवाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। बिना रजिस्टर किए हुए रेंट एग्रीमेंट की कोई कानूनी वैधता नहीं होती। इस एग्रीमेंट में किराए और मकान से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर कुछ निर्देश होते हैं जिस पर मकान मालिक, किराएदार और गवाह के हस्ताक्षर भी होते हैं। यह रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनाया जाता है। तो आपको बता दें चले कि 11 महीने के बाद नया रेंट एग्रीमेंट 5% या 10% बढ़े हुए किराए के साथ बनता है।
रेंट एग्रीमेंट पर साइन करते समय क्या आपके दिमाग में यह ख्याल आया है कि यह 11 महीने का ही क्यों होता है? तो आइए आपको बताते हैं कि इसकी वजह क्या है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 कहता है कि रेंट एग्रीमेंट 12 महीने से कम समय के लिए बनाया जाए तो उसके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, यानी मकान मालिक और किराएदार दोनों ही कागजी कार्रवाई से बच जाते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट 12 महीने से ज्यादा समय का हो तो कागजातों को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टैंप ड्यूटी भी देनी होगी। लेकिन 12 महीने से कम समय के लिए एग्रीमेंट बनवाकर मकान मालिक और किराएदार दोनों ही इन झंझटों से बच जाते हैं। अब बात कर लेते हैं निगरानी या दौरा रखने की। यह कहने की जरूरत नहीं है कि किसी भी प्रकार की छोड़ी हुई संपत्ति, खासतौर पर वो जो प्रमुख लोकेशन पर स्थित हो, भूमाफिया और अपराधियों का ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि प्रॉपर्टी की भौतिक सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की काफी अहमियत है। उदाहरण के लिए चार दीवारी का निर्माण, नियमित रूप से दौरा करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर आपने एक विश्वसनीय केयरटेकर को नहीं रखा है तो आपको नियमित व्यक्तिगत दौरा जरूर करना चाहिए। किराएदार को बदलते रहें। इस कानूनी सीमा को देखते हुए मकान मालिक के लिए समय समय पर अपने किराएदारों को बदलना महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि अधिकांश मकान मालिक अपने घरों को केवल 11 महीने के लिए किराए पर प्रदान करते हैं और उसके बाद किराए के समझौते को नवीनीकृत करते हैं। यदि वे अपने मौजूदा किराएदार के ठहरने को लंबा करने में सहज महसूस करते हैं तो किराएदारी अनुबंध के तहत समय अवधि को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है जमीन पर या प्लॉट पर चार दीवारी का निर्माण की। तो प्लॉट और लैंड के मामले में सबसे पहले चार दीवारी या बाउंड्री वॉल का निर्माण जरूर करवाना चाहिए, भले ही मालिक स्थान के करीब रहता हो या नहीं। आदर्श रूप से लैंडशार के हस्तक्षेप के दायरे को कम करने के लिए एक हाउसिंग यूनिट का भी निर्माण किया जाना चाहिए। जो लोग स्थान से दूर रहते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अवैध गतिविधियों से मुक्त रहता है, नियमित रूप से संपत्ति का दौरा करने के लिए किसी को प्रभारी रखना चाहिए। हालांकि यह हमेशा एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता। एक कार्यवाहक को काम पर रखना भी अवैध कब्जे से बचने का एक अच्छा तरीका होता है। अनिवासी भारतीय या NRI प्लॉट मालिकों के मामले में यह विशेष रूप से सच है। वार्निंग साइन बोर्ड जरूर लगवाएं। बाउंड्री बनवाने के अलावा आपको अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा वार्निंग साइन बोर्ड से भी करनी चाहिए। साइन बोर्ड पर स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि यह आपकी निजी संपत्ति है और ट्रेसपास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपनी किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर लगातार नजर रखें। तो आपको बताना चाहूंगा कि इस साल मीडिया ने उन घटनाओं को व्यापक कवरेज दिया जिसमें नोएडा में बुजुर्ग मकान मालिकों को विरोध के रूप में अपने घरों के सामने सामान के साथ बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि किराएदारों ने घर खाली करने से इनकार कर दिया था। बुजुर्ग दंपति द्वारा झेले गए इस कष्ट में सभी मकान मालिकों के लिए एक उपयोगी सबक है। किराएदारों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन वैकल्पिक नहीं है और किराए के समझौते के पंजीकरण के द्वारा इसे सुरक्षित किया जाना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा किराएदार मिल भी गया हो जो हर महीने किराए का भुगतान और घर के रखरखाव के साथ नियमित है, फिर भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। अपनी संपत्ति पर कड़ी नजर रखें और किराएदार को परेशान किए बिना नियमित रूप से दौरा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। यदि प्रॉपर्टी आपके शहर या देश से बाहर है और नियमित रूप से दौरा करना संभव नहीं है तो इस काम के लिए किसी को रख लीजिए या किसी को प्रभारी बना लीजिए। प्रॉपर्टी को लेकर आप कभी भी लापरवाह नहीं हो सकते। इन सब के बाद अब बात यह आती है कि अगर संपत्ति पर कब्जा हो भी जाए
तो अवैध कब्जे की शिकायत कहां करनी चाहिए? तो आपको बताते चले कि अवैध कब्जा एक गैरकानूनी गतिविधि है और इससे पीड़ित व्यक्ति भारतीय कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत राहत की मांग कर सकते हैं। बताते चले कि अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए कुछ कदम बताए गए हैं, जिन्हें आप अपनाकर अपनी संपत्ति से कब्जा मुक्त करवा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पास शिकायत दर्ज करें। सबसे पहले आपको शहर के पुलिस अधीक्षक के पास एक लिखित शिकायत दर्ज करनी चाहिए जहां संपत्ति स्थित है। आपको अपनी समस्या को स्पष्ट और संक्षेप में व्यक्त करना चाहिए और संभावना है कि पुलिस शिकायत को स्वीकार करेगी और आपको सहायता प्रदान करेगी। यदि एसपी शिकायत को स्वीकार करने में विफल रहता है तो संबंधित अदालत में व्यक्तिगत शिकायत दर्ज की जा सकती है। वहीं पुलिस में एफआईआर दर्ज करें। आप इसके बारे में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप भविष्य के संदर्भ के लिए एफआईआर की एक प्रति सुरक्षित रखिए। अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करेंगे। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत राहत की मांग करें। बताने चले कि विशिष्ट राहत अधिनियम में धारा 5 और 6 के तहत व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल करने वाले पिछले कब्जे और बाद में अवैध कब्जे को साबित करके अपना अधिकार वापस लेने की अनुमति है। यदि आपको इस संबंध में सही और पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो यह कानूनी प्रक्रिया आपको संपत्ति के अधिकार की रक्षा में मदद कर सकती है। आप इस तरह से अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायत करने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान भी हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं, जैसे अपनी समस्या को संबंधित प्राधिकरणों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत करने से आपको अपने संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा मिल सकती है। धारा 441 क्रिमिनल ट्रेसपास। धारा 441 भारतीय दंड संहिता में आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास को परिभाषित करती है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के कब्जे वाली प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास के अपराधी कहलाएगा। साथ ही इस धारा में व्यक्ति किसी भी ऐसे कब्जे वाले व्यक्ति को धमकाता है या अपमान करता है या परेशान करता है तो भी उसे क्रिमिनल ट्रेसपास के अंतर्गत देखा जाएगा। इसे उपरोक्त प्रकार से किसी संपत्ति में प्रवेश करने का क्रियान्वयन भी कहा जा सकता है। धारा 425 बदमाशी। धारा 425 भारतीय दंड संहिता में बदमाशी से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत जो व्यक्ति इस इरादे से या ये जानते हुए कि वो पब्लिक या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हानि या नुकसान पहुंचा सकता है, किसी प्रॉपर्टी को बर्बाद करता है या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में इस तरह के किसी भी बदलाव का कारण बनता है या बर्बाद या इसका मूल्य या उपयोगिता कम करता है, उसे बदमाशी करना कहा जाता है। बदमाशी से संबंधित अपराध दंडित किए जाने पर व्यक्ति कानूनी रूप से कारावास का भुगतान कर सकता है और वो जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी। धारा 420 भारतीय दंड संहिता में धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत जो व्यक्ति धोखा देता है और धोखा के शिकार व्यक्ति को कोई भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है या एक कीमती प्रतिभूति के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए या कुछ भी जिस पर हस्ताक्षर किया गया है या मुहर लगी है और जो एक कीमती प्रतिभूति में बदल सकता है, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और वो जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। बता दे चले कि धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी का अपराध दंडित किया जाने पर व्यक्ति कानूनी रूप से जुर्माने का भुगतान करना होता है। धारा 442 घर का ट्रेसपास। धारा 442 भारतीय दंड संहिता में घर के ट्रेसपास से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के निवास के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भवन, तंबू या नाव में या पूजा के स्थान के रूप में या फिर प्रॉपर्टी की कस्टडी के स्थान के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी भवन में प्रवेश करके या उसमें रहकर आपराधिक अतिचार करता है, उसे घर का ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास कहा जाता है। घर के ट्रेसपास के अपराधी को कानूनी रूप से सजा का सामना करना पड़ता है। धारा 406
विश्वास का आपराधिक उल्लंघन। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के केयरटेकर या आपके सगे संबंधी रिश्तेदार या मित्र भी आपकी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे होते हैं। ऐसे में आईपीसी की धारा 406 एक मकान मालिक को अधिकार देती है कि वो अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए अगर कोई उसका विश्वास पात्र ही उसकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रहा हो। तो आईपीसी की धारा 406 में आपराधिक विश्वासघात करने पर सजा का प्रावधान है। इस धारा में कहा गया है कि जो कोई भी विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करेगा उसे 3 साल तक की कैद या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 503 आपराधिक धमकी। धारा 503 भारतीय दंड संहिता में आपराधिक धमकी से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति या उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की धमकी देता है जिसमें वो व्यक्ति दिलचस्पी रखता है, उस व्यक्ति को डराने के इरादे से या उस व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए मजबूर करता है जो वो कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, ताकि वो इस खतरे से बच जाए, उसे आपराधिक धमकी देना कहा जाता है। इस धारा में परिभाषित आपराधिक धमकी देने के अपराधी को दंडित किया जाता है। कुछ राज्य केंद्रित उपाय हैं, जैसे जमीन कब्जाने और प्रॉपर्टी के धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग एजेंसियां स्थापित की गई हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में आप भू माफिया निरोधक टास्क फोर्स के पास जा सकते हैं। दूसरा, आपके पास jansunwai.up.nic.in/abmp.html पर अपनी शिकायत दर्ज करने का भी विकल्प है। आपको हर संभव सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि हम जानते हैं उपचार से सावधानी भली है। इसलिए सतर्क रहें और पूरी कोशिश करें कि आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा ना होने पाए, क्योंकि अवैध कब्जा छुड़वा पाना काफी मुसीबत का कारण बन सकता है। आमतौर पर अवैध कब्जे के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा भी यह कहकर टाल दिया जाता है कि मामला सिविल प्रवृत्ति का है, लिहाजा सिविल कोर्ट जाओ और अपना पल्लू झाड़ लिया जाता है। प्रॉपर्टी का वास्तविक स्वामी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। बता दें चले कि प्रतिकूल कब्जे का दावा कौन कर सकता है? तो जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति जो किसी संपत्ति का मूल मालिक नहीं है और वो कम से कम 12 वर्षों से संपत्ति पर कब्जा करके रह रहा हो तथा इस दौरान संपत्ति मालिक ने उसे बेदखल करने के लिए कोई कानूनी प्रयास ना किया हो, ऐसे में वो व्यक्ति संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे करने का दावा कर सकता है। संपत्ति पे कब्जा करना आखिर होता क्या है? बता दें चलें कि मालिक की अनुमति के बिना यदि कोई व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तथा खुद को संपत्ति मालिक घोषित कर देता है, इसे संपत्ति पे कब्जा करना कहा जाता है। और इसी के चलते कब्जे का हस्तांतरण किसी संपत्ति के कब्जे में परिवर्तन या चूक को संदर्भित करता है। संपत्ति पर अवैध कब्जा करने पर होने वाली कुछ सजा भी है। बताते चले कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 447 के अनुसार किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने पर व्यक्ति को 3 महीने की सजा या फिर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में सजा और जुर्माना दोनों ही भरने पड़ सकते हैं। एबीसी न्यूज की खास पेशकश जानकारी जरूरी है में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए कानून के प्रावधानों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए ABC News।